हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल परी ए टू जेड। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी बता रही हूँ मटन की। बकरे का गोश्त 1 किलो ली हूँ मैंने, और ये मैंने ली हूँ दही और नमक, काजू, अदरक लहसुन का पेन, काली मिर्च और गर्म मसाले का 1 3 प्याज ली हूँ, बटर और 2 हरी मिर्ची। अगर आपको हरी मिर्ची ज़्यादा चाहिए ज़्यादा ले सकते हो। तो मैं आज आपको कौन सी रेसिपी बता रही हूँ, गेस कीजिए। तो मैं आज, चलो मैं आप ही मैं ही खुद बता देती हूँ आपको। मैं आज व्हाइट मटन बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल, ईजी एंड क्विक। तो इसमें मैं नींबू नहीं डाल रही, अगर आपको नींबू चाहिए तो आप डाल सकते हैं। मैंने दही ली हूँ तो इसके लिए, ज़्यादा दही ली हूँ तो इसके लिए नींबू नहीं डाल रही, ना लाल मिर्ची ना हल्दी, कुछ नहीं। और इसको मैं बटर में बनाऊंगी, तेल भी नहीं डालूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभी मटन को कुकर में डालती हूँ और इसमें हम डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, बस इतना ही डाल के हमें चलाना है आग के पानी निकले तक। फिर बाद में कुकर का ढक्कन बंद करना है। हमें गैस ऑन करती हूँ, मैंने गैस ऑन कर दिया है। अभी हम आग का पानी छूटने के लिए, जब तक ऐसे इसमें कुछ पानी भी नहीं डालेंगे और ना कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। और मैंने काजू लिया है, ये मेरे 1 किलो के हिसाब से लिया है सब सामान। अगर आपको मटन ज़्यादा रहेगा तो आप अपने हिसाब से लेना, उस मतलब उस क्वांटिटी के हिसाब से लेना। देखिए आग का पानी सूखने आया है, तो अभी हम इस, मैं ये प्याज, 3 जो प्याज ली थी ऐसे काट के रखी हूँ, इसमें डाल देंगे हम। हम गर्म पानी डालेंगे, मैंने इतना ली हूँ, मतलब 1 गिलास को कम, इतना, पौना गिलास जितना। फास्ट पे ही रखेंगे हम थोड़ी देर, जब तक जोश नहीं आता है, फिर बाद में हम कुकर बंद करेंगे। देखते हैं कि जोश हो रहा है क्या, जोश हो रहा है। तभी हम कुकर का ढक्कन बंद करके 3 सीटी लेंगे, और 3 सीटी लेने के बाद 5 मिनट स्लो पे पकाएंगे। 3 सीटी भी, उसके बाद मैंने 5-10 मिनट स्लो पे पकाया, मतलब 5-6 मिनट समझ लो। अभी मैंने बंद कर दिया है गैस, अभी कुकर ठंडा होगा जब भी मैं खोलूँगी और दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करूँगी। कुकर ठंडा हो गया है, अभी हम खोलते हैं, देखते हैं कि गोश्त गल गया है क्या। देखिए बहुत गर्म है, हाँ गोश्त गल गया है। तो मैं निकालती हूँ, गोश्त हम अलग करेंगे और इसका पानी अलग करेंगे। मैं निकालती हूँ पूरा, ये देखिए मैंने उसका जो प्याज डाली थी और जो पानी सूख गया इतना बाकी था, तो ये अलग करी और गोश्त अलग करी। गर्म है बहुत, देखो गोश्त गल गया है। अब मैं यहाँ पे तपेला गैस पे रखती हूँ गर्म होने के लिए। देखिए तपेला गर्म होने के लिए मैं रखती हूँ। ये कुकर मेरा जो है, अभी मैंने जो चढ़ाई थी वो कई कई साल पुराना है, मतलब मेरे माँ बाप बोलते जो पुरानी चीज़ है वो अच्छी चलती है, तो वो इस्तेमाल किए, अभी मैं भी कर रही हूँ। बहुत साल पुराने हैं ये बर्तन, ये जो तपेला भी बहुत पुराना है। गर्म हो गया है तब, अगर मस्का डालेंगे, डालते ही इसमें ये डालेंगे तो मस्का गल जाएगा इस तरह। कभी भी याद रखें मस्का या असली घी। तो ये देखिए मस्का मेल्ट हो गया है, और मैंने इस तरह ये काजू को पीसा है और गरम मसाला, काली मिर्च। अभी हम काजू डालेंगे इसमें, काली मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, प्याज को अच्छे, जो ये देखो एकदम गल गई है प्याज, ना उन्हें पीसने की जरूरत पड़ी ना कुछ नहीं। अभी हम दही डालेंगे इसमें, मैंने दही को मिक्सर में कर किया था एक, या आपके पास घुटनी है या जो भी है। अभी हम पकने के लिए छोड़ेंगे, अभी हम इसे थोड़ा ढक के रखेंगे 5 मिनट या 2-3 मिनट, 3-4 मिनट रखिए आप, देखते हैं। ये देखिए, तो अभी हम गोश्त डालेंगे इसमें जी। बहुत ही यमी और टेस्टी बनता है ये। थोड़ी देर गोश्त के साथ भी पकने देंगे, देखते हैं हो गया क्या। हाँ देखिए साइड से वो छोड़ रहा है। अभी मैं गैस बंद करती हूँ और इसे निकालती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये देखिए
इतना टेस्टी निकालती हूँ अभी मैं। ये देखिए मैंने निकाला है व्हाइट मटन, ये मटन है चिकन नहीं है। आप इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे, आपको चाहिए तो हरी मिर्ची, नहीं तो मत डालिए। इतना बटर, ये लीजिए लजीज जायकेदार व्हाइट मटन ग्रेवी, ज़रूर आप बनाइए इस तरह और खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। मेरा चैनल पसंद आता है या मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और दुआओं में याद रखना, और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।